ईश्वर तुम दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्हीं दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्हीं दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। तेरा भजन तेरा मनन, तेरी ही धुन तेरी लगन। तेरा भजन तेरा मनन, तेरी ही धुन तेरी लगन। तेरी शरण में आए हम, तुम बिन हमारा कौन है। तेरी शरण में आए हम, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्हीं दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। तेरी दया को छोड़ कर कुछ भी नहीं हमें खबर। तेरी दया को छोड़ कर कुछ भी नहीं हमें खबर। जाएं तो जाएं हम किधर, तुम बिन हमारा कौन है। जाएं तो जाएं हम किधर, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्हीं दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। तुम बिन हमारा कौन है। समुपस्थित सज्जनों, मातृशक्ति एवं ब्रह्मचारिगण, कठोपनिषद की चौथी वल्ली के पांचवें श्लोक पर चर्चा चल रही है। पांचवें श्लोक में यमाचार्य ने कहा कि जो इस मध्वदम आत्मा को जानता है, कर्मफल भोगने वाली आत्मा को जानता है, और दूसरा कहा जो जीव के अत्यंत निकट रहने वाले भूत और भविष्य के स्वामी, किए गए कर्मों के स्वामी और भविष्य में जो फल मिलेगा उसके स्वामी परमात्मा को जानता है, तो उसके बाद में फिर न ततो विजुगुप्सते, वो निंदा नहीं करता, समता के भाव में आ जाता है।
यमाचार्य ने आत्मा को कहा मत्वदम, कर्म फल को भोगने वाला। आत्मा कर्म फल को भोगने वाला है, इसको हम बहुत बार सुन भी चुके हैं और प्रतीति होती है कि हम इसको मानते भी हैं, और एक तरह से ये अटल सिद्धांत मन में बैठ चुका है कि आत्मा ही कर्मफल को भोगता है, आत्मा मध्वरम है, आत्मा कर्मफल को भोगता है। इसके साथ साथ ये भी जुड़ा है कि जिसने किया है वही कर्मफल को भोगता है। इसको भी हम बहुत अच्छी तरह से स्वीकारते हैं, हमें यह प्रतीत होता है कि हम इसको अच्छी प्रकार से मानते हैं। इतना अच्छी तरह मानते हुए भी हमारे द्वारा निंदा हो जाती है। यमाचार्य ने यह परिणाम बताया कि जो कर्मफल भोगने वाली आत्मा को जानता है, जिसने निश्चय कर लिया है कि कर्म फल तो आत्मा ही भोगता है, जिसने किया है वही भोगता है, तो फिर वो ततो न विजुगुप्सते, वो फिर निंदा नहीं करता। लेकिन इसका परिणाम, आत्मा कर्म फल भोगने वाला है, इस सिद्धांत का परिणाम हम अपने जीवन में इस रूप में अब पूरे व्यापक रूप में नहीं देख पाते। अपने अपने जीवन को हम देखें तो कहीं ना कहीं हम दूसरे की निंदा कर रहे होते हैं। निंदा का तात्पर्य वही लीजिएगा, जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसा समझ लेना, उसको उस रूप में कथन कर देना। जीवन के अंदर हम अनेक व्यक्तियों के साथ में व्यवहार करते हैं, किसी को सहयोग करते हैं और किसी से सहयोग लेते हैं, और इसी तरह ये मानव समाज चल रहा है। मानव समाज को भली प्रकार चलाने के लिए, सामंजस्य रखने के लिए, प्रसन्नता बनाए रखने के लिए ये एक दूसरे का सहयोग, पुण्य कर्मों का करना आवश्यक भी है। जिस समय व्यक्ति पुण्य कर्म करता है, दूसरे का सहयोग करता है, सेवा दे करके, धन दे करके या और किसी प्रकार से, तो ये तो मानता है कि मैं कर्म फल भोगने वाला हूं, मैंने जो कर्म किया, जो मैं कर रहा हूं, इसका फल मुझे मिलेगा, एक अंश में यह मानता भी है। लेकिन जब व्यवहार करते करते जिसका हम हित कर रहे हैं, जिसका हम उपकार कर रहे हैं, उसकी ओर से उचित व्यवहार न हो, वो हमारे लिए कुछ गलत कर दे अथवा हमारे सहयोग को मान न दे, उसकी महत्ता को न समझे, भले ही उपकार करने वाले की हानि न करे लेकिन उपकार को उपेक्षित कर दे, ये माने ही नहीं कि इसने कुछ मेरे लिए किया है, दो शब्द भी ना कहे, प्रशंसा ना करे, आपने मेरे लिए यह किया, कृतज्ञ ना हो, तो हमारे मन के अंदर दुख का भाव आ जाता है। हमारे को ये अपेक्षा रहती है कि मैंने जो इस व्यक्ति के प्रति उपकार किया, इसके बदले में इसको उचित व्यवहार करना चाहिए, कम से कम स्वीकारना चाहिए कि आपने मेरे लिए यह किया। बदले में वो कुछ सहयोग करे अच्छी बात है, अर्थात जब हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं
तो दूसरे से अपेक्षा रखते हैं। हम कर्म करते समय पूरी तरह परमात्मा से अपेक्षा नहीं रख पाते, हम परमात्मा की अपेक्षा को कुछ कम कर देते हैं और दूसरे सामने वाले की अपेक्षाओं को प्रबल कर देते हैं। यद्यपि ईश्वर का भी आदेश है परस्पर हम उपयोग करें, एक दूसरे का सहयोग करें और जो परोपकार करने वाले हैं उनको उचित मान सम्मान और सहयोग करें, ये आदेश है, लेकिन फिर भी जब श्रेष्ठ कर्म करने वाला मन में अच्छी प्रकार से ठान ले कि इस कर्म का फल मुझे मिलेगा, जो कर्म मैंने किया है उसका ठीक ठीक फल मुझे मिलेगा, मुझे ही मिलेगा, तो ये जो दुख पैदा हो जाता है वो नहीं हो पाएगा। दूसरे से अपेक्षा रखने पर जब अपेक्षा पूर्ण नहीं होती तो दुख आता है, और दुख आता है तो फिर हम उसकी निंदा भी करते हैं, उसकी फिर इस विषय में निंदा करना उचित कथन करना तो ठीक है कि इसने कृतज्ञता नहीं रखी, लेकिन उसके अतिरिक्त भी प्रतिक्रिया होकर के हम उसकी अतिरिक्त निंदा भी करते हैं, अन्य भी बुराई करते हैं। यदि व्यक्ति कर्म करते समय अपने को कर्मफल का भोगता ठीक प्रकार से मान ले कि ये जो मैंने कर्म किया है इसका फल मुझे मिलेगा और अवश्य मिलेगा, ईश्वर भूत और भव्य कर्मों का पूरा स्वामी है, वो उचित फल दे ही देगा, तो फिर ये दुख और ये निंदा का भाव मन में नहीं आएगा। हमारे को दुख इस बात का होता है कि मैंने तो अच्छा किया इसके प्रति लेकिन उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, क्योंकि हम अपने उस पुण्य कर्म की के परिणाम में फल की अपेक्षा सामने वाले से भी रखते हैं। यदि सामने वाला हमारा बदले में कुछ उपकार करता है तो अच्छी बात है, और यदि वो नहीं भी करता तो हमारा पुण्य कर्म उस पुण्य कर्म का फल किंचित भी क्षीण नहीं होता। परमात्मा की व्यवस्था से वो फल जब उचित समय होगा हमको प्राप्त हो जाएगा। हमारे को ये विश्वास पूरी तरह से नहीं हो पाता, हमें ये लगता है कि सामने वाले ने जिसका हमने उपकार किया अगर उसने प्रत्युत्तर में कुछ हमारा सहयोग नहीं किया तो जैसे हमारी कुछ हानि हो गई, हम उस हानि के कारण से दुखी होते हैं और फिर निंदा के भाव में जाते हैं, हम समता के भाव को नहीं रख पाते। लेकिन साधना के लिए इस प्रकार का समता भाव अत्यंत आवश्यक है, और ये समता का भाव तब आएगा जब हम परमात्मा को भूत और भव्य कर्मों का स्वामी अंतर्मन से स्वीकार कर लें। जब हमको ये पूरा निश्चय हो कि सामने वाले ने यदि प्रत्युपकार नहीं भी किया तो उसका पूरा चुकतारा मेरे पुण्य कर्म का पूरा फल परमात्मा से मिलेगा ही, और यदि सामने वाले ने कुछ उपकार प्रत्युत्तर में किया है तो उतना घट करके बाकी बचा हुआ परमात्मा की तरफ से मिल जाएगा। समाज के द्वारा हमारे कर्म फल को देने में जो न्यूनता रहती है वो परमात्मा के द्वारा पूरी हो जाती है, लेकिन परमात्मा समाज के द्वारा दी गए प्रत्युपकार को देखते हुए अपना फल देता है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा को जो पुण्य कर्म का फल देना था वो तो है ही, वो तो उतना का उतना देगा ही, और सामने वाला जो हमारे को दे दे वो अतिरिक्त होगा। अगर हम सामने वाले के प्रत्युपकार को अतिरिक्त मानेंगे
और तब उसके न मिलने पे अपनी हानि समझेंगे। वास्तविकता यह है कि हमारे पुण्य कर्म का फल जितना है उतना ही मिलेगा। यदि समाज के द्वारा उसका फल ठीक ठीक मिल जाता है तो फिर ईश्वर की तरफ से नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ बचा नहीं है। लेकिन समाज के द्वारा यदि उसका फल कम दिया जाता है तो बचे हुए को परमात्मा देगा, और यदि समाज के द्वारा अधिक दे दिया जाता है तो उसका न्याय भी ईश्वर करेगा। हमने किसी का छोटा सा काम किया, हमारा यत्न तो थोड़ा सा था, उसने बहुत अधिक हमारे को दे दिया, हम उस अधिक लेने के अधिकारी नहीं हैं, हमने वो पुरुषार्थ नहीं किया है, लेकिन उसने दे दिया, वैसे ही प्रसन्न होकर के दे दिया, तो ऐसे में अतिरिक्त सहयोग लेना वो कहीं ना कहीं आगे ईश्वर की व्यवस्था से समान किया जाएगा, उसकी क्षतिपूर्ति होगी, जो अतिरिक्त लिया है उसका अधिग्रहण हो जाएगा, उसका हिसाब चुकता होगा। तो जब व्यक्ति ये मानता है कि कर्म फल का निश्चित फल होगा और वो मुझे ही मिलेगा, तो फिर उसको शोक नहीं होता। हम परोपकार करते समय कुछ इस तरह की भावना मन में रखते हैं कि मैंने ये कर्म किया है, इसका फल सामने वाले को मिल रहा है, ये उसके परिणाम हैं। हमने कुछ किया और दूसरे का हित हो गया या अहित हो गया, ये उसके परिणाम हैं। सामने वाले का खाता अलग चल रहा है और हमारा खाता अलग चल रहा है। हमारे कर्म से सामने वाले के खाते में परिवर्तन नहीं आएगा, और सामने वाले के हमारे प्रति किए गए गलत व्यवहार से हमारे खाते में परिवर्तन नहीं आएगा। तात्कालिक रूप से न्यूनाधिकता हो सकती है, लेकिन उसकी अंततोगत्वा परिणति पूरा हिसाब ईश्वर की तरफ से होगा। ये जिस दिन व्यक्ति के मन में अंदर तक बैठ जाए, तो फिर अपेक्षा के पूरा न होने पर दुखी न होगा, नहीं होगा। एक समाज शास्त्री ने समाज के व्यक्ति के दुखों की व्याख्या करते हुए एक दृष्टि दी कि हमारे जो दुख हैं वो अधिकतर अपेक्षा रखने के कारण से हैं। हम दूसरे से कुछ न कुछ अपेक्षा रखते हैं, समाज के शिष्टाचार में वो अपेक्षाएं रखी भी जाती हैं, एक दृष्टि से उचित भी हैं। बच्चे माता पिता से कुछ अपेक्षा रखते हैं, वृद्ध माता पिता अपने युवा बच्चों से कुछ अपेक्षा रखते हैं, शिष्टाचार की दृष्टि से उचित भी है, होना चाहिए समाज के लिए। लेकिन जब ये अपेक्षा पूरी नहीं होती तो दुख और क्लेश पैदा होते हैं। जहां साधनों की कमी नहीं है, वहां भी जहां दुख होते हैं उसमें एक बड़ा कारण इस अपेक्षा का ही है, और जहां निर्धनता है, साधन कम है, वहां पर भी दुखों का एक बड़ा कारण इस अपेक्षा का रखना है।